उसी प्रकार हम अगर कृष्ण सुदामा को इस तरह दो निवाले खाकर इतना धनवान बनाते हैं तो तुम समर्पण में कभी कमी नहीं करना। तुम्हारे गुरु के पास आते हो, तुम्हारे गुरु के पास आते हो तो कभी खाली हाथ नहीं आना, खाली हाथ लौटना पड़ता है। सुदामा यही सिखाता है कि तुम जब गुरु के पास जाओ या छोटे बच्चे के पास जाओ या किसी देव मंदिर को जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। जो गुरु के पास अपने पास जो कुछ भी है कुछ भी लेके जाता है और गुरु को प्रदान करता है और गुरु उसे स्वीकार करता है तो तुम करोड़पति बनोगे, तुम लाखोंपति बनोगे, तुम महान बन जाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस समर्पण को हमें जानना चाहिए। गुरु तुम्हें कभी भी, मैंने बहुत बार तुम्हें कहा है, अगर मैं कभी तुम्हें कुछ पूछा हूँ तो मुझे पता है तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, उस संकट निवारण करने के लिए ही मैं तुम्हें पूछता हूँ, नहीं तो प्रभु की दी हुई कोई कमी नहीं है। जब इतना सब करता हूँ तो आज यहाँ धान भी हो रहा है, धन भी आएगा और कल के दिन अगर हो सके तो एक दिन ऐसा भी आएगा प्रभु जी सद्गुरुदेव से पूछूंगा कि मेरे गुरुजी जिस मेरे शिष्यों के आंखों में आंसू है तो यहाँ स्वर्ण वर्षा करवा दे तो करवाऊंगा भी। मैं उतनी क्षमता रखता हूँ, मेरे गुरु पर उतना विश्वास करता हूँ, मेरे गुरु पर उतना विश्वास करता हूँ कि गुरु अपने शिष्यों के लिए स्वर्ण वर्षा भी करवाएंगे। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप गुरु के पास आने के बाद समर्पण में कुछ कमी मत करो। अगर समर्पण में कमी हो गई तो तुम्हारे पास जो भी है गुरु के चरणों में समर्पित जिस दिन करो, आप अनुभव करोगे कि आपके जीवन में आपने क्या पाए। मेरे जीवन का अनुभव मैं कहता हूँ, मैं नौकरी करता था कमिश्नर ऑफिस में और मुझे सडनली गुरु जी के पास जाना पड़ा। ऐसा ही ये 1990 का शिविर था गणपति गायत्री महायज्ञ घटकोपर सोमिया कॉलेज में मुंबई में। मैं हैदराबाद से सीधा गया था तो गुरु जी ने कहा, कह रहे जोशी वो 31 दिसंबर की साधना शिविर है मुंबई में, तू आ जा। गुरु जी की आज्ञा नहीं टाल सकता था। मैंने हैदराबाद ऑफिस छोड़कर गया था और अगर दो दिन के लिए मुंबई जाऊँ, मुंबई से तो दो तीन दिन लीव लगाना पड़े, सरकारी नौकरी चले जाएगी, ये डर तो दूसरी तरफ था ही था और पैसे उतने नहीं ले गया था। मैंने कहा ठीक है गुरु जी आ रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पे गया, तब तो फ्लाइट के टिकट लेने की क्षमता नहीं थी, नौकरी करने वाला था। ट्रेन के टिकट पे गया तो ट्रेन के टिकट वाला ने कहा, सर ट्रेन में टिकट कहाँ है यार, कुछ भी ट्रेन पे टिकट नहीं। मैं बोला गुरु जी ने आने के लिए कहा है, अगर टाइम पे नहीं पहुँचूंगा तो शिविर एक दिन का शिविर है और ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कैसा होगा। मैं बहुत देर सोचता हुआ खड़ा रहा और गुरु जी कहा, गुरु जी क्या परीक्षा लेते हो कि मैं मुंबई तक कैसे पहुंचूं। तब ये आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं था तो उसने, मैं इधर उधर देख रहा था, बात कर रहा था, मैं टीटी के पास गया, भाई गुरु जी हमें मुझे मुंबई जाना है, कोई ना कोई टिकट दिलवा दो। टीटी ने कहा कि तुम ऐसा करो इस टीटी में बोलो, लेकिन मैं टिकट के इतने पैसे लूँगा, मैं देखता हूँ तो उतने पैसे मेरे पास है नहीं। मैं समझा था बॉम्बे में दोस्त है, वहाँ से उसके पास से पैसे लूँगा, वहाँ से पहुँचूँगा कैसे। उसने जो टिकट के पैसे कहा वो भी लेने के लिए मैं आगे पीछे सोच रहा था। मैंने कहा कि अब इस नहीं चढ़ूँ तो टिकट, अगर वो पूछ रहा है उसने पैसे देना पड़ेगा, नहीं है तो मेरा टिकट नहीं मिलेगा, किस तरह करना है। इसी तरह खड़ा और गुरु को देखता रहा था, ये नौकरी की परवाह नहीं की, ये भी परवाह नहीं की, पत्नी मुझे मैं अगर नहीं गया तो क्या सोचेगी, ये भी परवाह नहीं की। और मैं ट्रेन के पास खड़ा था, ट्रेन छूटने वाली थी, उतने में कोई अनजाना सा मनुष्य, कोई जो मुझे नहीं जानता, ऐसा आदमी आया, क्या भाई यहाँ खड़े हो, क्यों चिंतित हो, मेरा मुंबई जाना है, यहाँ टिकट के पैसे नहीं है और मुझे यहाँ से जाना है, आप ऐसा करो मेरा बर्थ खाली है आप बैठ जाओ, मैं मुंबई जाने वाला था कैंसर हो गया, बैठो मैं टीटी को बोलता हूँ। मैं बोला आप कौन है, लेकिन ट्रेन तो छूट रही, मैं ट्रेन में बैठ गया। टीटी को उसने कहा ये मेरा भाई है, इसके टिकट के पैसे मैंने दिए, इस बर्थ को उसको दे दो। टीटी भी कहा ठीक है उसमें क्या है देने के लिए, उसने क्या, मैं बैठकर मुंबई गया। मुंबई शिविर में जैसा ही शिविर स्थल पर उतरा, गुरु जी और माता जी वहीं खड़े थे। जोशी, गुरु जी का जोशी आ गया। मैंने कहा जोशी प्रभु आपने बुलाया है, मैं कहाँ गया, मैं आता था मेरे पास पैसे सब कुछ रहते थे, आपने बुलाया है और मैं आया हूँ। वो तीन दिन का शिविर था, मैंने वो शिविर अटेंड किया। गुरु जी ने उसमें भी बहुत सुंदर, पहली बार रुद्राक्ष का हवन करवाया था मुझे याद है, वो गणपति गायत्री का महायज्ञ था। और उसमें भी मैं जब गया तो गुरु जी ने एक बात कही थी, मुझे आज भी उस दिन याद आता है। गुरु जी ने ऐसा ही जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही मैंने, गुरु जी ने कहा था कि ये मैं मधुरूपिण रुद्राक्ष दे रहा हूँ। सुबह के 5 बजे थे, जो इस मधुरूपिण रुद्राक्ष की आहुति दे देगा, मैं जो मंत्र बोलता हूँ
उसकी निश्चित रूप से इच्छा पूर्ण होगी। उसे मैं मधुरूपेण रुद्राक्ष दे रहा हूँ। मैंने मधुरूपेण रुद्राक्ष लिया और इच्छा ये बोलते हुए डाला कि प्रभु मेरे मेरे हाथों से गुरु कार्य हो और उसके लिए मैं आश्रम की जमीन खरीदूं और जमीन खरीदने के लिए चाहिए, ये बोलते हुए मैंने रुद्राक्ष डाले। चाहो तो मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे और ना पैसा था। आया रुद्राक्ष की आहुति डाल ली, गई, हो गया, काम हो गया। गुरुजी से जैसा कहा, फिर बाद में हम सोचता रहा, गुरुजी ने कहा क्या था कि मधुरूपेण रुद्राक्ष डालने से इच्छा पूर्ण होगी। अरे अपनी इच्छा कहाँ पूर्ण हो रही है, अपना अपने पास पैसा है ना, एक जमीन एक भी ले सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, अपने पास कहाँ है, अपने ले सकते। बड़ी इच्छा करते हुए डाला था कि मैं गुरुजी के लिए यहाँ जमीन खरीदूँ और निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करूँ या ऐसा स्थापना करूँ। आई बुगाई बात हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत सारे शिविर गुरुजी के अटेंड करता गया, लेकिन ये बात दिल में खाती रही कि कैसा हो। तो एक दिन एक महाशय मेरे पास आए, उनकी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने आकर कहा कि गुरुजी, मैं जीवन में एक मंदिर को जमीन देना चाहती थी, मैं वो मेरे से नहीं हो रहा है, आप इतने गुरु शिक्षित हैं, मेरे बेटे का एक काम है, वो छोटा सा, वो करवा दो, आपको मैं ये जमीन दान में देती हूँ। अब मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे कारण हो। मैंने उस बच्चे को गुरुजी के पास ले गया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये ऐसा कहते हैं और इनको ये इसको अगर इसका काम होता है तो वो जमीन देने के। गुरुजी मेरी तरफ देखे, क्या बातें करता है, इसका काम भी कुछ नहीं होगा, जा निकल जा, उसको भेज दे। अब मैं तंग रह गया। छाला, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, एक अच्छा सा काम आया था, वो भी गुरुजी ने नकार दिया और हटा दिया कि जा नहीं होता। मैंने उससे कहा, भाई गुरुजी मान नहीं ले रहे हैं, वो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम जो भी चाहिए पूछ लो इधर। तो उतना वो आदमी खड़ूस था कि गुरुजी के पास वो काम नहीं होता तो तुमने दक्षिणा भी नहीं डाली, उसके आना जाने का खर्चा मुझे लगाना पड़ा। अब देखो मुझे मेरे जीवन पे क्या गुजरी होगी कि मैं किस तरह उसको लेके गया। मैं ये आशा से ले गया था कि ये काम अगर गुरुजी कर दे तो निखिल चेतना के जरिए जमीन आएगी। बात आई गई हो गई। फिर ऐसा ही थोड़े दिन गुजर गए, मन में यही बात लेकर हम दोनों कभी कभी बातें करते थे कि जमीन किस तरह प्राप्त हो, क्या करेंगे हम। लेकिन हुई बात ये कि थोड़े दिनों के बाद वो जो बूढ़ी माँ थी उसकी, वो आई और कहा, बेटा मैं तेरे को क्या प्रार्थना, क्या तेरे को कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरा बेटा बहुत खड़ूस निकला, बहुत बदमाश निकला, मैं चाहती हूँ कि मैं ये जमीन उसको नहीं दूंगी, ये जमीन तेरे नाम से लिख के दे दे रही हूँ, ये ले ले। अरे मैं बोला, वो बेटा मेरे से झगड़ेगा कल के दिन, कैसा हो वो बेटा मुझसे कुछ कहेगा, मैं तुझे कागज लिख के दे रही हूँ ना, तू ले ले जमीन। वो उसके पास से उसने कागज लिख दिया, लेकिन मेरे पास कागज पड़ा रहा, कागज पे जमीन पे मैं नहीं गया क्योंकि वो बेटा नहीं आने देता था, मुझे पता है। बाद में आई गई बात हो गई, उस बेटे ने कुछ दिनों के बाद मुझे पैसे दो तो मैं आपकी जमीन रजिस्टर करूंगा। माँ मर गई, वो जमीन नहीं आई। मैं बाद में देखा कि उस बेटे ने कहा, तब तक कुछ पैसे जमा हुए थे, मैंने कहा ये पैसे ले ले, क्या गुरु जी की इच्छा है पता नहीं, वो जमीन खरीदूंगा और उनसे मैं जमीन खरीदी। मैं आपको विचित्र कहता हूँ, वो जमीन प्राप्त किया, उसके ऊपर हवन आदि सभी किया, लेकिन गुरुजी ने जैसा कहा वो जमीन मुझे आज तक प्राप्त नहीं, उसके बदले में ये प्राप्त हुई ये जमीन, और मैंने ये गुरु कार्य करता रहा उसके लिए, उस जमीन के पीछे पड़ा, आज तक भी वो जमीन के साथ झगड़ा ही है। गुरु जी ने कहा था कि तुझे वो जमीन लेना है, तू नहीं ले, ये खड़ूस आदमी, इसके पास से ये जमीन नहीं आएगी। वो बात वैसी रही, जमीन लिया भी तो पड़ी रही, बाद में ये जमीन प्राप्त हुई। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस बात में कि मैं जमीन लेकर निखिल चेतना केंद्र की कार्य करूंगा, 90 में गुरु से मधुरूपेण रुद्राक्ष डाला था और 2000 में ये जमीन मिली। 10 साल लगे, तब हम दोनों बैठ के बात करते बैठे थे तो कहा कि वाह रे वाह, गुरुजी ने मैंने 1990 में कहा था कि देने के लिए और जमीन प्राप्त हो कहा था और प्राप्त हुई 2000 में। तो पत्नी ने बैठे बैठे कहा, क्या टाइम फिक्स करे थे क्या, आज मैं मधुरूपेण रुद्राक्ष डाल रहा हूँ, कल ही जमीन मिले बोले जमीन मिल गई, बात को 10 साल होने दो, 20 साल होने दो, तुम्हें क्या है। तो हमारे पूछने में भी गलती थी, जमीन मिले ये बोला हूँ लेकिन कल ही मिले नहीं बोला हूँ ना, इसलिए 10 साल के बाद मिली। हमारे पूछने का भी तरीका होता है। समर्पण भाव के साथ गुरु का अगर आचरण करते हैं तो हमें जरूर हमारी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। यही बात ऐसी होती है, हम भी तुम्हारे इस तरह शिविर में बैठा करते थे बहुत पीछे, कभी पूछते थे शिविर में, भाई ये शिविर के लिए कितना खर्चा आता था, कोई बोलता था 20 लाख पंडाल के लिए इतना, अब दोनों चुप हो जाते, एक बैठे बैठे हम भी एक शिविर, क्या दिमाग खराब हो गया, शिविर करने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से शिविर ला दी। मैं बोलता था, उन्हें बोलते थे नहीं नहीं हम शिविर करेंगे, शिविर कुछ नहीं करेंगे, हमारे से होने वाली बात नहीं।
लेकिन वो इच्छा भी लेकर जब पढ़ा मेरे साथ बहुत दिनों के बाद, आज आपको पता है यहाँ रवि भैया नाम के मेरे साथ है, लेकिन बहुत दिनों के बाद उन्होंने, हम एक बार पानीपत के शिविर में गए थे, उनके पिताजी भी थे, तो बैठे बैठे बात चली, तो कहा उन्होंने, भैया हम भी शिविर करेंगे। मैं बोला शिविर करने के लिए पैसे चाहिए, क्या बात करते हो शिविर होने के लिए। बोले रवि भैया मैं भी दोनों दिनों को लेता हूँ, तुम भी करेंगे, हम शिविर करेंगे। पहला शिविर हमने 1994 या 1995 में किया था, पहला शिविर। और वो शिविर करते समय तुम्हें बताता हूँ, रवि भैया तो सहायता करे ही, दूसरे की सहायता करे, लेकिन मेरे पास रुपया भी नहीं था। आखिर हम, मैं एक जगह गया और एक कुछ चिट डालते हैं, चिट्ठी जो 5,000-10,000 डालते हैं, ऐसी चिट्ठी 2.5 लाख की चिट्ठी डाला, डालकर उसको चिट्ठी में उसको पैसे दिया, बोला ये 10,000 पहले महीने के धोखे दे रहा हूँ, लेकिन मैं, तू मुझे चिट्ठी के पैसे देना है। उसने 2.5 लाख के लिए 1,80,000 तो 70,000 कटौती। मैं बोला कुछ तो दे रहे भाई, शिविर करना है, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। कुछ भी हुआ शिविर हुआ, लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूँ वो जी शिविर हुआ और आज का दिन है। मैंने गुरु जी के उस समर्पण के साथ किया कि कभी विचार नहीं किया कि मेरा आगे क्या होगा।